हेलो एवरीवन, क्या आप भी एक आईफोन यूजर हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो एप्पल का आईफोन का जो बैक टैप का फीचर है वो iOS 14 में आया नया फीचर। जी हाँ गाइस, iOS 14 में एक नया फीचर आया है जिसका नाम है बैक टैप। तो जो गाइज ये बैक टैप फीचर है, ये क्या वर्क कैसे करता है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करते हैं, ऐसे कैसे इसका सेटअप करते हैं। तो ये है क्या दोस्तों, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ एक बात, कि जैसे कि Redmi के, Xiaomi के, Vivo के फ़ोन में बैक टैप पे जो फिंगरप्रिंट होता है ये वैसा तो नहीं है, लेकिन ये उसी का सेम टू सेम काम करता है। जैसे सेल्फी खींचना, बहुत सारे इसके अंदर फीचर हैं जो आपका आईफोन का जो बैक में जो एप्पल लोगो है, जो एप्पल लोगो है वो एक तरह से टच बन जाता है। जी हाँ गाइस, टच बन जाता है। तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि iOS 14 के न्यू फीचर, इस न्यू फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, वैसे मेरे पास एप्पल का फ़ोन तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है जिससे ये फीचर आपके मोबाइल फ़ोन में अनेबल हो जाए। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ गाइस। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पर लिखा होगा एक्सेसिबिलिटी। जी हाँ गाइस, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है टच। वहाँ पे एक टच दिखाई देगा ऑप्शन, वहाँ थोड़ा स्क्रॉल कर लेना। स्क्रॉल करने के बाद वहाँ पे टच दिखाई देगा, उस पर सिंपली क्लिक करना। क्लिक करने के बाद वहाँ पे दिखाई देगा बैक टैप। जी हाँ गाइस, जैसे वहाँ पे आप बैक टैप पे क्लिक करोगे तो एक और ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है, मतलब डबल टैप लिखा होगा, ट्रिपल टैप लिखा होगा। अगर आपको जिस भी हिसाब से फीचर वो आपको अनेबल करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि डबल टैप पे क्लिक करो। डबल टैप पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी शॉर्टकट है, जी हाँ गाइस, जो भी शॉर्टकट है उसे सिलेक्ट कर लेना। वहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट होंगे, जैसे स्क्रीन शॉट का, गोल का, गोल डायलर का, बहुत सारे शॉर्टकट होंगे। उसको सिंपली ओपन करके, क्लिक करके, चूज़ करके उसको ओके कर देना और फिर बैक कर देना। और बैक करने के बाद एक बार अपना फ़ोन बंद कर देना। बंद करने के बाद अपने फ़ोन का लॉक खोलना है। लॉक खोलने के बाद आप जैसे ही बैक अपने एप्पल लोगो पे डबल टैप करोगे तो वो शॉर्टकट अपने आप ही ओपन हो जाएगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबा दो, जिससे क्या होगा, हमारी आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचती रहेगी। तो गाइस, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।